मेरा नाम आनंद सिंह नेगी है और कॉर्बिनेशन पार्क को हमने इससे पहले चेतावनी दी थी कि यहाँ का जंगली जानवर हमारे खेती किसानी को बर्बाद कर चुका है और हाथी ने विगत दिनों से काफ़ी यहाँ पर फसल नुकसान कर दिए हैं। जंगली जानवर शेर है और गुलदार है और भी जंगली जानवर जो हमारे रात को 5 या 6 बजे के बाद आंगनों में आ जा रहे हैं, जिससे हमारे घर के बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है और जान माल के हरमी से निरंतर खतरा हमारे अंदर बना हुआ है। और इसी एवेज में हमने जब कॉर्बेट प्रशासन को इसकी इतला दी तो कॉर्बेट प्रशासन द्वारा कोई खास इसमें रिएक्शन नहीं लिया गया, जिसके विरोध में आज हमने ढीला जिन्ना जोन जो है यहाँ पर बंद किया है। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा इसका एक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो निश्चित रूप से यह आंदोलन और भी आगे चलेगा और स्थायी समाधान तक जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम सुनीता बंसल है, मैं गोल्डन टास्क में यहाँ रुकी हुई थी। मेरी सगी भांजी की शादी थी, अब हम लोग वापसी के लिए जा रहे हैं। मेरी बहू और मेरे छोटे पोते घर में है, मेरा इंतजार कर रहे हैं और 1 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। ये लोग हमें परेशान करे जा रहे हैं कि अभी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, इतनी तेज़ धूप में इतनी देर गाड़ी भी ऑन नहीं कर सकते और मुझे इमरजेंसी में जाना है और बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं हम आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, बस शर्मिंदा हैं कह रहे हैं और हमारी परेशानी दूर नहीं कर रहे हैं। इन्हें गवर्नमेंट से कोई शिकायत है? लोगों की विशेष मांग ये थी कि जो कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन्यजीव हैं इनकी फसलों को क्षति पहुंचाते हैं और उन वन्यजीवों को फसलों की क्षति पहुँचाने से रोका जाए, तो उसके लिए कार्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से ईडी से ग्रामों का गठन कर उनके माध्यम से कई कार्य कराए गए हैं, जैसे सोलर फेंसिंग कराया गया है और सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। कुछ हमारी पेट्रोलिंग टीमें हैं जो गश्त करती हैं, जो वन्यजीवों को जंगल की तरफ खदेड़ती हैं, भगाती हैं, वो सारे उपाय किए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी आप लोगों का कहना है कि कुछ और उपाय किए जाएं, जैसे इनका कहना है कि मुआवजे की धनराशि बहुत कम है, जब हमारे फसलों की क्षति होती है तो जिस दर से मुआवजा दिया जाता है वो कम है, ये शासन स्तर का मामला, हम लोग इसको शासन स्तर को भेज देंगे। दूसरे इनकी एक और नई बात आई है कि जो भी आय होती है पर्यटकों से वो सारी आय स्थानीय जो परिद्वीप के गाँव बसे हैं उनमें खर्च किया जाए, क्योंकि हम इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये भी शासन स्तर का मामला है और इस मामले को भी शासन को यहाँ से अग्रसारित किया जाएगा जैसा शासन निर्णय लेती है। बाकी जो हमारे लोकल स्तर की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और इनसे समन्वय रखा जाए, इनसे संवाद बनाए रखा जाए, वो सब हम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से भविष्य में करेंगे।